यूपी के जनपद कानपुर देहात में उस वक्त जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया जब सत्ताधारी दल बीजेपी के अकबरपुर रनिया कानपुर देहात की सदर विधायक क्षेत्र की विधायिका प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी विकास भवन के गेट के बाहर अपने समर्थकों के साथ बैठ गई। बीजेपी विधायक और पूर्व सांसद DRADA के लिपिक आमोद प्रताप सिंह पर भ्रष्टाचार करने और शिकायत करने पर उनके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए जमीन पर ही धरने पर बैठ गए, जिसकी सूचना मिलने पर जिले के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे मौके पर पहुंची, विधायक और उनके पति को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाकर देर शाम धरना समाप्त कराया गया। दरअसल अकबरपुर रनिया से बीजेपी विधायक प्रतिमा शुक्ला ने अपनी विधायक निधि से एक दिव्यांग को इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल साइकिल देने का पत्र DRDA विभाग को लिखा था। इसके बाद दिव्यांग ने DRDA के बाबू आमोद प्रताप सिंह द्वारा रुपए मांगे जाने की शिकायत विधायक से की। इसके बाद गुरुवार को बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला अपने पति पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी के साथ विकास भवन अधिकारियों से शिकायत करने पहुंची। इस दौरान DRDA के बाबू आमोद प्रताप सिंह से उनकी तीखी बहस हुई। इतना ही नहीं, दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई। इसके बाद नाराज विधायक अपने पति पूर्व सांसद के साथ अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। सूचना पर उनके समर्थक भी विकास भवन पहुंच गए, धरने में विधायक और पूर्व सांसद का साथ देने लगे। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। काफी मान मनोबल और कार्रवाई के आश्वासन के बाद विधायक और पूर्व सांसद ने धरने को समाप्त किया। विधायक जी, आज आप धरने पर बैठे थे, क्या वजह थी? एक विकलांग व्यक्ति, हमारी सरकार ये चाह रही है कि विकलांगों को, उन्होंने विकलांग ना कहकर दिव्यांगजन कहा है, उसके बावजूद भी उससे पैसे मांगे जा रहे थे, जो कि पवन ने मांगे थे कि भदौरिया मांग रहा है 5,000 रुपये का बंदोबस्त करो तो तुम्हें ये साइकिल मिलेगी, जो विधायक जी की 17,000 रुपये हमने लेटर लिख दिया। तो इतना ज़्यादा बेचारा अपाहिज था कि मतलब लग रहा था कि हमें दया आ रही थी, उतना गरीब अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो दे नहीं पाएंगे हम, और साइकिल हमें मिल नहीं पाएगी। हम लोग उनके पास आए तो हम लोग वहाँ पर खाने वहाँ पर गए सूर्य अपने वहाँ पर सूर्य थी नहीं, तो उसके बाद PD को बुलाया और DDO को बुलाया, बात की, भदौरिया भी आया। तो विकलांग जो था उसने ये बताया कि पवन ने आप भदौरिया के नाम से पैसे मांगे 5,000 रुपये, मैं दे नहीं पाई थी, मुझे साइकिल नहीं दिया। फिर हम लोगों ने कहा ठीक है, आप आइंदा से इसका कागज़ तैयार करो और आप अपने ऑफिस को सही करिए, इस तरह की कोई मांग नहीं रखनी चाहिए। फिर आपके यहाँ पैसे मांगे जाएंगे तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, और इससे बदनामी होती। हम लोगों ने डांट डपट से सब मामला ख़त्म हो गया, हम लोग बाहर निकल गए। उसके बाद भदौरिया जो एक क्लर्क की पोस्ट पर खुद भी भ्रष्ट है, उसके बाद भी इतनी असभ्यता से उसने बात की कि जिसके कारण हम लोग को धरने पर बैठना था। इतनी असभ्य अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया जो कि सुनने में अच्छे नहीं लग रहे थे, जबकि आज नवरात्र है, हमको लड़ाई झगड़े करने के मूड में हम लोग नहीं। हम लोग तो अपने जा रहे थे कि बात खत्म हो गई, विकलांग को न्याय मिल जाए, इतना ही चाह रहे थे। केवल इसके बावजूद भी वो माना नहीं, और पटांग बोलता हुआ बड़बड़ाता हुआ चला गया, पैर पटकता हुआ, जो कि बहुत ही खराब लग रहा था सुनने। इसके कारण हमने कहा इतना अपमान है, एक विधायक का इतना अपमान कर सकता है, महिला जब तुमसे कोई बोल भी नहीं रही है, तुमसे ज़्यादा तुमसे हम बदतमीजी से बोल भी नहीं रहे, तो हमसे इस तरह से बोलने के उसको कोई राइट नहीं मिलता। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, इस तरीके से आपके साथ दुर्व्यवहार बदतमीजी करना कैसा मानते हैं सरकारी कर्मचारी द्वारा? नहीं, हम तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं। मैं इसकी CDO से शिकायत भी की, हर दमे इस तरह से बोलता है, ये अच्छी बात नहीं है। जब आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार है, हम लोग तो आम पब्लिक के अधिकार का प्रयोग करें तो इसको थोड़ा सस्पेंड होना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत ही असभ्य टाइप का है, इसको इतना अभिमान है, पता नहीं किस बात का है कि ये मुझे समझ में नहीं आया। विधायक जी, एक सीधा सवाल है कि आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार है तो आम पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार, पब्लिक के साथ वो कर ही रहा, तभी तो उसने 5,000 रुपये मांगे, इतने गरीब आदमी से मांगे, नहीं तो ऐसा कर ही नहीं सकता था ना, मांग ही नहीं सकता था। अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और इस जो भी हमारे पास पत्र है इसका हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। उन्होंने जो आप सदर विधायिका प्रज्ञा शुक्ला के साथ जो है विकास भवन की गेट पर धरने पर बैठे थे, क्या वजह थी? बात ये हुई है कि एक विकलांग लड़का है, वहाँ क्या नाम है, ये किराना का सर्वेश नाम है ना, सर्वेश, तो उसने जो है मोटराइज ट्राईसाइकिल मांगी थी, तो उसके लिए नियम ये है कि आपको अपने कागज़ सहित भारत सरकार के विकलांग जो हमारा दिव्यांग विभाग है वहाँ पे उसको अप्लाई करना होता है। उसने अप्लाई किया था, उसने वहाँ से, तो वो साइकिल
भारत सरकार ने उसको स्वीकृत कर दी और 25,000 रुपये का उस पर वो लोग भारत सरकार के लोग उस पर देते हैं और टोटल जो ट्राई साइकिल की कीमत है 42,000 रुपये है, तो 17,000 रुपये विधायक निश्चय देना होता है। तो मेरे पास आया था तो हम लोगों ने 17,000 रुपये उसको विधायक निश्चय लिख दिया मुख्य विकास अधिकारी को, इसको दे दिया जाए। लेकिन कई दिनों से वो चक्कर काट रहा है वहाँ पे, तो आज उसने शिकायत किया कि कोई भदौरिया है उसके नाम पर पवन जो एक है कोई वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह चलाता है, तो उस पैसे मांग रहा है 5,000 रुपया। तो उसको लेकर के मैंने कहा तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं, मैं वहाँ चलता हूँ। तो इसके बाद जब वहाँ पे उसने कहा कि हाँ इसको हम पहचानते हैं पवन को, इसी ने पैसे मांगे थे भदौरिया के लिए, तो वो फिर एप्लीकेशन दे दिया और पीडी ने कहा कि दिनेश यादव ने कि मैं इस पर कार्रवाई करवाऊंगा। हम लोग सब करके अपना वापस आ रहे थे लेकिन इसी बीच उन्होंने भदौरिया को बुला लिया तो वो कुछ बदतमीजी से बोलने लगा वहाँ पर, तो उसके वजह से फिर हम लोगों ने धरने पे बैठे कि जो है इस पे मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि चोरी की चोरी और सीना चोरी ये तो नहीं हो सकता है। सीडीओ साहब आई थी, सीडीओ साहब आई है, उन्होंने उस एप्लीकेशन को लिया है और उन्होंने कहा कि इस पे जो भी कार्रवाई बनती है सख्त कार्रवाई की जाए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक कर्मचारी द्वारा इस तरीके से दुर्व्यवहार करना क्या मानते हैं, क्या इस तरीके से उसकी कार्यशैली कहीं ना कहीं जनता के प्रति कैसी होगी? अब यार देखिए, हमने पहले भी बताया ना कि यहाँ पे तमाम ऐसे बेईमान और बदमाश और अत्याचारी लोग हैं, वो सरकारी महकमे में भी हैं और बाहर भी हैं, जिनको कुछ नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, उन नेताओं के बल पे इस तरह की बातचीत वो करते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी अब ये मन बना लिया है कि अगर कहीं कोई अत्याचार बेईमानी या घूस की बात हमारे प्रकाश में आएगी तो हम लोग वहाँ मौके पर जा करके विरोध करेंगे।